फ्री नोम पर 1 ईयर के लिए फ्री में डोमेन को कैसे रजिस्टर करें और उसमें टेक्निकल एरर को कैसे फिक्स करें। यदि आप फ्री में डोमेन को रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और मैं अपना VPN को एक्टिवेट कर देता हूं। आप कोई ब्राउजर बेस्ड VPN का यूज कर सकते हैं। यदि आप VPN को यूज नहीं करेंगे तो ये आपका टेक्निकल एरर शो करेगा। तो मैं यहां पर फ्रीनोम की वेबसाइट को ओपन करता हूं। उसके लिए मैं फ्रीनोम टाइप करता हूं। यहाँ पर मैं पहले वाले लिंक को क्लिक करता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर साइनिंग कर लेता हूँ। आप भी साइनिंग कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सर्विसेज में जाकर माई डोमेन्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैं एक न्यू डोमेन रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो यहाँ जिस किसी भी डोमेन को आपको रजिस्टर करना है उसका नाम यहाँ पर टाइप करिए। जैसे मैं पेनेट्रेशन टेस्टिंग 2020 को रजिस्टर करना चाहता हूँ। चेक एबिलिटी पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जिस किसी भी डोमेन को आप यूज करना चाहते हैं उसे गेट इट नाउ कर दीजिए। जैसे कि मैं पेनेट्रेशन टेस्टिंग 2020 को यूज करना चाहता हूं तो फिर वहां पर मैं इसे गेट इट नाउ करके चेकआउट पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर इसके पीरियड को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 3 मंथ, 12 मंथ, ये 12 मंथ तक फ्री है। तो उसके बाद मैं यहां से कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्टिवेट कर लेता हूं। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर। यहाँ पर मेरा ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका है, मेरा डोमेन रजिस्टर हो चुका है। तो इसे देखने के लिए मैं सर्विसेज के माई डोमेन्स में जाता हूँ। यहाँ पर मेरा डोमेन रजिस्टर हो चुका है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।